हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं विज्ञान के नोट्स को बनाऊंगी जो पेपर टू के एग्जाम के लिए, सीटीटी का जो 6 to 8 का एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आज हम लोग सजीव एवं उनका परिवेश से संबंधित नोट्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सजीव संरचना तथा परिवेश देखते हैं। जीव संरचना तथा परिवेश। सबसे पहले हम लोग ऊंट के बारे में जानते हैं। ऊंट के पैर जो होते हैं लंबे होते हैं, जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है और उनमें मूत्रोसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना भी नहीं आता है, ऊंट को पसीना भी नहीं आता है, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऊंट के पैर लंबे होते हैं, जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। और ऊंट में मूत्रोसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। ऊंट में मूत्रोसर्जन की मात्रा मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है बहुत कम होती है तथा उनका मल जो होता है वो शुष्क होता है तथा मल शुष्क होता है शुष्क होता है ठीक है। इसके बाद उन्हें पसीना को श्वेत भी कहते हैं। उन्हें पसीना यानी श्वेत भी नहीं आता, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है इस चैनल पे मैं पेपर वन का भी तैयारी करवाती हूँ, तो जो लोग पेपर वन और टू दोनों का एग्जाम देते हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम लोग मछली के बारे में जानते हैं। मछली में हमें कई आकृतियों में कुछ समानताएं दिखाई देती है। इन सभी का शरीर जो होता है ये धार रेखीय होता है और इनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछली का जो शरीर होता है वो धार रेखीय होता है और इसी के कारण उसके शरीर की जो ये आकृति होती है जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। और मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली की सुरक्षा तो प्रदान करता ही है, साथ ही इन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करता है। मछली के पंख व पूंछ चपटी होती है जो इन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। और मछली का जो गिल होता है क्लोम, सो इन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। इसको मैं लिख देती हूं। मछलियों में हमें इनकी आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है। आकृति में कुछ समानताएं दिखाई देती है। इन सभी का शरीर धारा रेखीय होता है।
इनकी यह आकृति इन्हें जल के होता है, इनकी यह आकृति इन्हें इन्हें जल के अंदर इन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती, विचरण करने में सहायता करती है, सहायता करती। आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले और सारे टॉपिक को कंप्लीट करते चले, क्योंकि सीटीटी एग्जाम में ज्यादा टाइम अब नहीं बचा और हमारा बहुत सारा सिलेबस अभी कवर करना बाकी है। आगे देखते हैं, आगे क्या देखे थे हम लोग। मछलियों के शरीर चिकने सलकों से ढका होता है और मछलियों का शरीर जो होता है सो चिकने सलकों से ढका होता है, चिकने सलकों से ढका होता है, चिकने सलकों से ढका होता है। इस सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं। इस सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही इन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है, इन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक है, में भी सहायक है। आगे है, मछली के पंख व पूंछ चपटी होती है। मछली का पंख जो होता है वह पूंछ मछली का पंख व पूंछ चपटी होती है, जो इन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करती, रखने में सहायता करती है। मछली के गिल होते हैं, मछली के गिल होते हैं जो इन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं, जो इन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। इस चैनल पे मैं सोशल स्टडीज का भी नोट्स बना के दूंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखते हैं हम लोग कि जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। लिख देती हूं मैं, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति
की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। आगे के टॉपिक्स का नोट्स मैं आगे की वीडियोस में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो आगे के वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।